आज की ब्रेक से शॉर्ट ब्रेक के लिए चलते हैं। तो आज हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, T1, T2, T3, T3 निकालना है, और ये रिलेटेड है आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। तो वहां पर हमारे पास T1, T2, T3 के लिए निकालने के लिए क्या ट्रिक कराएंगे देखिए। तो आप देख रहे होंगे T1 आपके पास टेंशन लग रहा है, किस किस के बीच लग रहा है आपके पास, M1 और M2 के बीच में लग रहा है। तो M2 से नीचे इनके बीच में क्या करेंगे, एक एरो लगाऊंगा मैं, और यहाँ से नीचे देखूंगा मास कितना M1 है, तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1G हो जाएगा। इसका मतलब 3 × g मैंने 10 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 N हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 30 N आ जाएगी। अब हम बात करते हैं T2 के लिए। तो T2 के लिए क्या करेंगे हम, तो T2 देखेंगे, T2 आपके पास M1 और M2 और M3 के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे और इससे नीचे देखेंगे तो इतने मास हैं, आप लोग देखेंगे M1 और M2 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, जी का वैल्यू आपका 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 N। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के T2 का वैल्यू आपका शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकालेंगे। अब हम T3 निकाल रहे हैं, तो T3 से नीचे मास देखेंगे, T3 से नीचे मास कौन कौन से हैं आप देखेंगे, M1 M2 M3 है, तो इसके लिए 5 × 3 = 10 हो जाएगा। तो T3 = क्या हो जाएगा आपका 10 × g का वैल्यू मैंने लगाया, 10 लगाया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 N आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, T1 T2 T3 की इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर आपका मिलता है तो, बिल्कुल बिना फ्री बॉडी डायग्राम के वो भी क्या होगा आपका सही होगा। थैंक यू।